What to do after class 12 to become a flight attendant? Number one, आप कोई भी डिग्री या कोई भी फील्ड में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं. ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ द फील्ड. आप बी बी ए इन एविएशन करना चाहते हो, साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहते हो, इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो, फील फ्री टू डू दैट. लेकिन अपना ग्रेजुएशन जरूर करिए. नंबर टू, ऑप्ट फॉर एनी सॉफ्ट स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, बिकॉज वही आपकी इंडस्ट्री में काम आने वाला है. कस्टमर सर्विस सीखिए, सेलिंग स्किल सीखिए, इंटरपर्सनल स्किल सीखिए, गेट गुड कमांड ओवर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, टीम मैनेजमेंट सीखिए, नेगोसिएशन स्किल सीखिए. ये सब आपकी स्किल्स आपकी जॉब में काम आने वाली हैं. सो बिकम अ सॉफ्ट स्किल ट्रेन पर्सनैलिटी, ताकि वेन एवर यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ योर रिक्रूटर, यू आर एबल टू इम्प्रेस देम विद इन वन गो. Also, number three, whenever you are planning to become a flight attendant, make sure that you are opting for any internship or any project work, because it will add lot of credibility to your resume. और जब भी आप recruiter के सामने जाएंगे, you can impress them by telling them about your work experience, or you can tell them about the work that you are doing. It can be a social work or you can be an activist. This adds to your credibility.